तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फाइनली आपके सामने टोयोटा की एक यारिस लेके आया हूँ, जो कि 2021 का मॉडल है। इसमें एसी का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ज़रा गाड़ी चालू कर रहा हूँ, एसी चालू किया हूँ बट कूलिंग नहीं हो रही है। कूलिंग क्यों नहीं हो रही है, चलो बाहर देख लेते हैं। गैस प्रेशर बराबर है लेकिन बट कूलिंग नहीं हो रही है। ये टेस्टर से मैं चेक कर रहा हूँ, पावर सप्लाई आ रहा है, देख पा रहे हैं। एसी अंदर से चालू है और ये टेस्टर जल रहा है, यानी कंप्रेसर में करंट जा रहा है बट कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इसका कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों चेंज करने वाला हूँ। तो चलो गाड़ी बंद करता हूँ। तो चलो गाड़ी बंद कर देता हूँ और कंप्रेसर कंडेंसर खोलता हूँ। तो कंप्रेसर खोलने के लिए गैस तो अपने को रिलीज़ करना पड़ेगा, गैस रिलीज कर दे रहा हूँ। और सबसे पहले बेल्ट निकालना पड़ेगा, उधर 14 नंबर का बोल दिया है, वो बेल्ट लूज करके टेशनर दिया है, वो खोल के बेल्ट निकालता हूँ पहले। तो कंडेंसर कंप्रेसर खोलने के लिए ये चीज़ें खोल देता हूँ, ये पूरा सेटअप इसका खोल देता हूँ ताकि कंडेंसर इधर से ईजिली बाहर आ जाए। तो चलो इसको मैं खोल देता हूँ। खोलने के लिए 10 नंबर दो इधर है, दो 10 नंबर इधर है, उसके बाद ये वाला लॉक में बोनेट केबल लॉक में बोनेट के लॉक में दिया है, तो ये सब खोलता हूँ। तो फाइनली इसका सभी बोल्ट खोल चुका हूँ और ये अब निकल जाएगा अपना। हॉर्न का सॉकेट वगैरह सब निकाल दिया हूँ, ये निकल गया। अब सबसे पहले कंडेंसर खोल लेते हैं, एक बोल्ट यहाँ पे दिया है और बाकी इधर लॉक पे है। बोल्ट खोलने के बाद कंडेंसर निकल जाएगा, तो चलो कंडेंसर निकाल लेते हैं अपन। तो फाइनली अपना कंडेंसर भी निकल चुका, अब कंप्रेसर खोलने के लिए सबसे पहले ये दोनों बोल्ट खोल देता हूँ, बेल्ट निकाल लेता हूँ। तो बेल्ट निकालते हैं सबसे पहले। तो फाइनली इसका डिस्चार्ज वाला पाइप निकाल दिया हूँ, सक्शन पाइप निकाल दिया हूँ, बेल्ट भी निकाल दिया हूँ और कंप्रेसर का चारों 12 नंबर खोलता हूँ, 4 या 3 दिया है, तीनों खोलता हूँ, खोल के कंप्रेसर बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली अपना कंप्रेसर खुल चुका है, अब इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। कंप्रेसर अब इसका ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, कंप्रेसर अंदर से फ्री है। कंप्रेसर सही है लेकिन बट इसका मैग्नेट कॉइल जो है ये ख़राब हो चुका है, या फिर मैग्नेट कॉइल या फिर ये स्विच, दोनों में से एक कोई ख़राब हुआ है। तो नया वाला कंप्रेसर दिखा देता हूँ, ये रही डेंसो का कंप्रेसर। तो इसको खोलता हूँ, इसमें तो और कुछ दिया नहीं है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कंप्रेसर सेम है या नहीं है। तो पूरा बिल्कुल सेम है कंप्रेसर। तो चलो इसको मैं अब गाड़ी में फिटिंग करता हूँ और इसमें कितना ऑयल लगेगा, इसमें ऑयल दिया हुआ है
थोड़ा सा, और बाकी ऊपर से भी ऑयल डालना पड़ेगा क्योंकि कंडेंसर भी अपन चेंज कर रहे हैं। तो चलो इसको फिटिंग करता हूँ, और ये वाला कंप्रेसर भी रिपेयर हो जाता, इसका सिर्फ मैग्नेट कॉइल या फिर ये वाला सॉकेट गया हुआ है, दोनों में से कोई एक, क्योंकि कंप्रेसर सही है। तो चलो अब इसको मैं फिट करता हूँ गाड़ी में। तो चलो एक हाथ से तो जम नहीं रहा, मैं फिटिंग करता हूँ इसको। तो फाइनली कंप्रेसर फिट हो गया, इसमें चार बोल्ट था लगा दिया हूँ, और डिस्चार्ज सक्शन पाइप दोनों लगा दिया हूँ, बेल्ट भी लग चुका है अपना। अब रही कंडेंसर लगाना बाकी है, तो चलो कंडेंसर लगा देते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ, और ये रही अपना ओल्ड कंडेंसर और न्यू कंडेंसर, इसमें है। तो कंडेंसर निकालता हूँ मैं, कंडेंसर चेक कर लेना सेम है या अलग है। तो देख पा रहे हैं ये कंडेंसर ओरिजिनल कंडेंसर नहीं है, ये यूज एंड थ्रो वाला कंडेंसर है, ऐसा सेम है, इसका अलग सेप्टम है, इसका अलग है, पर चलता है ये कंडेंसर, ओरिजिनल नहीं है लेकिन चलता है। तो चलो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ। ये इसका, तो फाइनली इसको कट करना पड़ेगा मेरे को, कट करके, तो इसको कट कर दिया हूँ। अब ये अपना इजी स्टेप में निकल जाएगा, जैसे खोलेते हैं वैसे ही फिटिंग कर देना है। तो चलो इसको मैं फिट करता हूँ। फाइनली इसका कंडेंसर वगैरह सब फिट हो गया, और प्रेशर भी मार रहे हैं 300 का प्रेशर मारना है इसमें लीक टेस्ट करने के लिए। फिर तो 300 प्रेशर हो गया, तो अब लीक चेक कर लेते हैं थोड़ा कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है। तो अब चलो इसके ऊपर का फिटिंग कर देता हूँ। तो फाइनली ये सब फिट हो चुका, अब प्रेशर भी देख लीजिए, प्रेशर होल्ड है, प्रेशर छोड़ देता हूँ ये, धीरे धीरे हो गया। अब एक में लगा देते हैं, ये लाइन चेंज कर देता हूँ यहाँ का, कंप्रेसर चालू कर दिया, वैक्यूम हो रहा है, तो 10 मिनट के लिए वैक्यूम होने देते हैं। तो फाइनली अपना 10 मिनट हो चुका, वैक्यूम कंप्लीट हो चुका, तो ये लाइन बंद कर देता हूँ, कंप्रेसर बंद कर देता हूँ, यहाँ से लाइन निकाल देता हूँ। अब अपने को ऑयल डालना है, तो ये खोल देता हूँ, ये वाला लाइन खोल देता हूँ। अपने को इतना सा ऑयल डालना है, तो यहाँ से ऑन करूँगा जैसे मैं, तो ऑयल अंदर खींच लेगा। तो पूरा ऑयल चला गया, यहाँ से बंद कर देता हूँ,
ओपन कर दिया, तो यहाँ लगा देता हूँ। और ये गैस के बाटला में लगा देता हूँ। ओपन कर दो, ओपन कर दिया इसको, और इसको पलटी मार देते हैं। अब अंदर से गाड़ी चालू करता हूँ। अंदर से गाड़ी चालू कर दिया, एसी चालू है। अब फ्री ऑन डाल रहा हूँ इसमें। फ्री ऑन गया नहीं है अभी, ये खुला हुआ है, बंद है। अब जाके फ्री ऑन गया, कंप्रेसर चालू हो गया, पंखा चालू हो गया, तो इसमें फुल गैस चार्ज करता हूँ मैं। फुल गैस चार्ज होने के बाद तो फाइनली फुल गैस चार्ज हो चुका, देख पा रहे हैं सक्शन प्रेशर 30 पे आ चुका है, यानी कंप्रेसर बराबर चल रहा है। कंप्रेसर चेक कर लेना एक बार, हीट वगैरह तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, इतना हीट होना चाहिए। हाई वाला और लो वाला, रिटर्न लाइन वगैरह सब कूलिंग बराबर हो रहा है। तो अंदर चलते हैं, कूलिंग कितना दिखा रहा है। देख पा रहे हैं 7.7, 7.8 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर, बाकी सब बराबर चल रहा है। 7.6 और भी डाउन होगा, तो इसका सभी सिस्टम पर ऊपर चल रहा है। तो हेलो गाइस, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस तरीके से वीडियो से इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।